केरल के छात्र के सी बीएसई गणित पत्र का जिज्ञासु मामला। कोट्टायम में एक कक्षा 10 छात्र ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक गणित प्रश्न पत्र दिया गया था जो उसके दोस्तों से पूरी तरह अलग था। नहीं, यह शायद कागज के रिसाव का मामला नहीं है। केरल के कोट्टायम में एक कक्षा 10 छात्र ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक गणित प्रश्न पत्र सौंप दिया गया था जो परीक्षा से मिले अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग था। 16 वर्षीय अमिया सलीम कोट्टायम माउंट कार्मेल विद्या निकेतन के एक छात्र का दावा है कि उन्हें 2016 सेकेंड एक प्रश्न पत्र मिला है। 28 मार्च को परीक्षा के बाद विद्यालय बस में लौटने के समय हम सभी जवाबों पर चर्चा कर रहे थे और जब मैंने मुझे मारा तो मैंने जो सवालों का जवाब दिया वो बस के अन्य विद्यार्थियों के प्रश्नों से बिल्कुल अलग थे। मैंने कहा स्कूल अधिकारियों ने, जिन्होंने तुरंत सी बी एस ई के क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत भेजी। अमैया ने बताया शिकायत में स्कूल के अधिकारियों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सी बी एस ई को लिखा कि प्रश्न पत्र मेयर को पिछले वर्ष की है। अमैया ने कहा कि उनके भाई जो 2016 में कक्षा 10 बोर्डों के लिए उपस्थित थे ने उसी गणित के पेपर का जवाब दिया और उन्होंने 10 सवालों की तुलना की है। क्लास 10 के बाद सीबीएसई गणित के कागजात रिसाव असफलता। ज्यादातर स्कूलों को फिर से परीक्षा की उम्मीद थी और अमैया को भी यही कहा गया था, लेकिन बाद में शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगर दिल्ली और हरियाणा स्थित छात्रों को कक्षा 10 गणित पत्र की फिर से परीक्षा में शामिल होना है तो पुलिस जांच बड़े पैमाने पर रिसाव को इंगित करेगी। अमैया ने अब सीबीएसई के लिए शनिवार को एक और शिकायत दर्ज की है। मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तर विशेष रूप से पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के लिए मूल्यांकन किए जाएं और मेरे पास प्रश्न पत्र हर किसी के पास नहीं मिला, या फिर मैं फिर से परीक्षा चाहता हूँ। अमिया सलीम ने सीबीएसई को अपनी शिकायत में बताया वह अभी तक बोर्ड से नहीं सुन रही थी जबकि उसके स्कूल के अधिकारियों ने रिकॉर्ड पर अपना बयान लिया है।